बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15वीं सदी हिजरी के 24वें बरस की रबीउल अव्वल के दूसरे दिन की आती हुई रात और तीसरे दिन को खुशामदीद कहती हुई साथों में आपको पाकिस्तान टेलीविज़न की नाइट टाइम ट्रांसमिशन। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अलामा इकबाल के इब्तदाई दौर की गज़लों में से एक गज़ल आप सुन रहे थे। इस गज़ल में एक दिलचस्प और बहुत तवज्जो तलब शेर आया कि भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। ये जो भरी बज़्म में राज की बात कहना इस शेर पे जुर्म करार दिया गया है, इसका ताल्लुक हमारे आज के मौजू से भी है। जैसा कि हम बात कर रहे थे हुस्न कलाम की, गुफ्तगू की, तो गुफ्तगू के आदाब में एक अदब ये भी है कि मजलिस में की गई बात अमानत है, उसे दूसरों तक पहुंचाने से पहले उन लोगों की कंसेंट और रजा ज़रूरी है जिन लोगों के सामने वो बात हुई है। और डॉक्टर साहब, इसमें इस बात को भी ऐड कर सकते हैं कि जो राज है वो अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अगर कोई बात किसी को राज के तौर पर बताई जाए तो वो सीने में ही रहे, दूसरे तक ना पहुंचाई जाए, तो राज का पहलू और राज को छुपा कर रखने का पहलू भी इसमें आ जाता है गुफ्तगू में। हाँ बिल्कुल दोस्त। तो नाज़रीन इकराम, अभी कलाम इकबाल आपने सुना, इकबालियात का जिक्र हम मुसलसल कर रहे हैं। पिछले दिनों इकबाल कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारी नाइट टाइम ट्रांसमिशन में आपने गैर मुल्की मेहमानों से भी मुलाकात की और वो वेबसाइट कम्पिटिशन जो इकबाल अकेडमी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ उसमें कामयाबी पाने वाले नौजवानों से भी हमने आपकी मुलाकात करवाई। तो उन तमाम मुलाकातों में, इन तमाम बातों में एक सवाल हमारे नाज़रीन के जहन में यकीनन ये पैदा होता रहा होगा कि इन तमाम सरगर्मियों के पीछे रूह रवा की हैसियत से कौन शख्सियत कार फरमा है। तो खुशकिस्मती से आज हमने उन शख्सियत को जब यहाँ तशरीफ़ लाने की दावत दी, ज़हमत दी, तो उन्होंने वो दावत कबूल फरमा ली। जैसा कि मैंने अभी उनके तारुफ में अर्ज़ किया कि वो बयक वक्त फ़लसफ़ा, माबादु तबीयात, तसव्वुफ़, रूहानियात, अदब, अखलाकियात, उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी ज़ुबानों के आलिम हैं। हुकूमत पाकिस्तान की वज़ारत सकाफ़त के इदारे इकबाल अकादमी पाकिस्तान के डायरेक्टर, नामवर दानिश्वर, मुदीर, मुसन्निफ़ और मुहक्किक जनाब मोहम्मद सुहेल उमर साहब। खुशामदीद सुहेल साहब, खैरियत से हैं जी? बिल्कुल। आप एक तवील सफ़र पे गए हुए थे जहाँ से वापसी पे हमने आपको यहाँ आने की जहमत दी, सफ़र की थकन उम्मीद है अब दूर हो चुकी होगी। अगर आप 36.5 घंटे को तवील सफ़र करार दें तो मैं तस्लीम कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि थकन उतर चुकी है। दोबारा आगाज हो रहा है उसका, एक नए सफर में। ज़ाहिर है कि जिंदगी एक मुसलसल सफर है जी। तो आपकी जिंदगी के बहुत से पहलू हैं, अदब से लेकर तसव्वुफ़ तक, तसव्वुफ़ से लेकर फलसफे तक, और इकबालियात और इस्लामियात, तो इन तमाम पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू की ज़रूरत है। तो ये इतने मुतनव्वे पहलू हैं कि इनमें किसी एक को नुक्ता आगाज़ करार देना या आपकी शख्सियत का बुनियादी उनसर करार देना दुश्वार नज़र आता है। एक दिलचस्प बात हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही मालूमात अफजा साबित होगी कि सुहेल उमर साहब हमारे तसव्वुफ़ के पांचों सलासिल में मजाज़ बैत भी हैं। इसके अलावा जो आपके इकबालियात और अदबियात के साथ ताल्लुक़ है वो अहले इल्म से और हमारे नाज़रीन से भी यकीनन मख्फी नहीं होगा। तो सुहेल साहब, इन तमाम पहलुओं पे बात करने से पहले क्यों ना हम वहाँ से बात शुरू करें जहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ था। साहब, इज़्ज़त अफजाई के लिए ममनून हूँ, लेकिन आपने जो तारीफ़ का लिबादा मेरे लिए तराशा है वो शायद मेरे कद से बड़ा तराश दिया आपने, और मुझे आते ही उसके बोझों मार दिया। इस कबाए तहसीन के नीचे से मैं निकलूं तो कोई आगाज़ कलाम करूं। देखिए, एक आम आदमी बेचारा ज़िंदगी में
तीन दफ़ा तो मरकज़ तवज्जो बनता है अपने अकीके पे, अपने निकाह पे, अपनी तदफीन पे। तो दो से तो मैं गुजर चुका, तीसरे की अभी नौबत नहीं आई, आपने चौथा पैदा कर दिया। और वो कद से असाब बुलंद, आखिर हरज ही क्या है? हरज तो आपको नजर आ जाएगा जब मैं हकलाने लगूंगा थोड़ी देर आपकी इस तहसीन के वजन से। बहरहाल देखिए, आपने उनकी कुरतुल ऐन हैदर की बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं भी बहुत मद्दा रहा हूँ, उनका हनूज हूँ, उनकी किताबें मेरे भी सनम खाने जी। बिल्कुल साहब, वो मुझसे नहीं पढ़ी जाती। अब क्यों नहीं पढ़ी जाती? उसमें जो असनाम ख्याली उन्होंने बखेर रखे हैं वो जगह जगह रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। मेरे भी अगर आप जिंदगी की इब्तदाई यादों की तरफ मैं लौटूँ तो मेरी किताबें ज़िंदगी के इब्तदाई औराक में भी बहुत से ऐसे असनाम ख्याली खड़े हुए। लेकिन आप ये तो नहीं कहेंगे ना, कर दिया काफिर इन असनाम ख्याली ने मुझे? नहीं साहब, मुसलमान कर दिया। तो मैं जिस ख़ानदानी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हूँ वो एक समझिए कि अपर मिडल क्लास, बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम, इंजीनियर, अकाउंटेंट जनरल, फ़ौज वगैरह वगैरह, उनके लोग यानी अपनी अपनी खैमा याफियत की तनावों से जकड़े हुए, और कोई उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह सरे कूचाए एहतियाज पा बरहना नहीं था, खुशहाल लोग थे। लेकिन साथ साथ एक गर्ब जदगी, मगरब जदगी भी सभी में मौजूद थी, एक मरूबियत जो शायद उस नस्ल का खासा था। उसमें हमने आँख खोली, धरती से एक नाता भी मौजूद था कि जमींदारी थी जो बाद में हाथ से जाती रही, हमारे हाथ में आकर निकल गई। यहाँ हमने आँख खोली और तालीम का आगाज बचपन से एक अनीलापन सा साथ था हमारे। मुझे शुरू में अच्छी तरह याद है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे डाल दिया गया, जो अपने दौर का अच्छा ही होगा, उस ज़माने में अभी ये शुरू नहीं हुए थे ये जो चेन ऑफ स्कूल्स होते हैं आजकल, या एचिसन था या सेंट एंथनी कैथेड्रल या फिर जूनियर मॉडल सेंट्रल मॉडल दो। ठीक, तो मुझे इंग्लिश स्कूल में डाल दिया गया, मैं वहाँ हर इम्तहान में फ़ेल हो जाता था। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या मसला था। जो जिस दिन मुझे जूनियर मॉडल स्कूल में, वो भी बहुत अच्छा मॉडल स्कूल था वाकई, उसमें मुंतकिल किया गया, तो वो दिन और स्कूल को छोड़ने के दिन तक मैं मुसलसल अव्वल आता रहा, और कभी कहीं दोम आ जाता तो रोना धोना मच जाता था कि ये क्या हो गया। खैर, जो बचपन की सबसे पुरानी यादें मुझे जिस सियाक़ो सबाक में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इल्मी सफ़र, किताबें, इकबालियात, तसव्वुफ़, उसमें सबसे पुरानी याद जो है कि हमारे ताक पर दो किताबें मुझे बचपन से याद हैं, एक दीवान हाफिज़ और एक बाले जबरील का वो एडिशन जो अच्छे बरकत अली का पहला जो एडिशन था वो, और दीवान हाफिज़ भी वो जो रईसों के लिए ख़ास तौर पर तैयार किया जाता था, दीवान में मोमी कागज़ और शंगरफी हाशिया और उसमें सुनहरी हरूफ से मक्ता वगैरह वगैरह, समझ हमें क्या आनी थी लेकिन उसको हम यूँ रटते रहते थे। यही काम बाले जबरील में साकीनामा, उस उम्र में जब अभी साकीनामा सिर्फ गा सकता था मैं बगैर समझे हुए, उसको याद करके रोब अंदाजी के लिए इस्तेमाल करना हम झोलियों पर, ये इब्तदाई यादें हैं। ये अलग बात, बाद में मालूम हुआ कि ख़ानदान का खानवादा इकबाल से क्या ताल्लुक़ था, जावेद इकबाल साहब से चचा के क्या ताल्लुकात थे वगैरह हुए। जी किस मरहले उम्र की बात है? मुझे मालूम होना जो है इनका साकीनामा का जी जी बेसमझे हुए, ये कोई समझिए 8-10 साल उस वक्त से आपका इकबाल से ताल्लुक गया, आवाज़ हो गया था जी, एक शऊर की सतह से नीचे वो तासीर तो रहती है, लफ्ज़ खा यूँ भी इस्तेमाल हो रहे हो अपनी तासीर से आ रही तो नहीं होते। मजा है। सेंट्रल मॉडल स्कूल में आपने जी सेंट्रल मॉडल और सानवी तालीम के तय किए, और वो अपने ज़माने का बहुत अच्छा स्कूल था उस ज़माने में। अगर आपको याद हो तो उसका दाखिले का इम्तिहान उतना ही कड़ा हुआ करता था जितना आज आप CSS में बैठते, उसके लिए बाकायदा तैयारी होती थी, कोचिंग करवाई जाती थी, और फिर सैकड़ों या शायद हज़ारों में से 200-250 उम्मीदवार मुंतखब करने में कामयाब होते थे। तो वो हमारा बेहतरीन दौर था, और वहाँ जो हमें असातज़ा मिले उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान उर्दू दोनों की जो नींव रख दी, वो आज तक हम उसको उसका फल उठा रहे हैं, उनके लिए दुआगो रहते हैं। स्कूल के बाद की बात है, स्कूल की बात है,
यानी मैट्रिक तक जो हमारी बुनियाद रखी गई वो मैं आज तक उसका मुतरफ। यहाँ आपने बताया कि अंग्रेजी से आपकी मुनासिबत नहीं पैदा हो सकी, वो इससे पहले का मरहला है? वो तो कोई था अंग्रेजी स्कूल जिससे हम निकल पहले, इससे पहले, मॉडल इससे पहले, पहले। जी बल्कि जूनियर मॉडल आने से पहले, पहली से पांचवीं तक तो जूनियर मॉडल था जी, वहां पर अगरचे वो उसमें भी पहली जमात से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और ठीक पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम नहीं था, यानी उसमें आपको मुझे मजबूर कोई नहीं करता था कि मैं अपने उससे टीचर से गुफ्तगू भी अंग्रेजी में करूं जबरदस्ती। बहरहाल ये सेंट्रल मॉडल हमारा जिसे आप कहते हैं तश्कीली दौर था, जिसने इन सारी चीज़ों की बुनियाद रखी जो आगे चलकर हमारी शनाख्त बनी। एफसी कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज, इसके बाद हम एफसी कॉलेज। एक छोटा सा सवाल मैं इसी दौर के हवाले से पूछ लूँ कि जब ये सारा दौर गुजर रहा था तो इकबाल की जो आपने शायरी पढ़ी, साकीनामा पढ़ा, तो क्या उस जमाने में इल्म अदब से कोई लगाव था या वो बस वो दो किताबें आपको याद हैं कि वो क्योंकि मौजूद थी ताक में नहीं तो इसलिए पढ़ी, या घर में कोई इस तरह का जी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? बिल्कुल माहौल था वो, तो एक मैंने आपको दो नुमाया मिसालें दी, वरना वालिदा और वालिद दोनों की तरफ से एक ज़ौक़ अदब और तालीम वो मौजूद थी। मुझे वजाहत से याद है शामों कि वो सरकारी मुलाजिम थे, मसरूफ़ रहते थे, लेकिन ऐसी शामें अक्सर आती थी सर्दियों की बिलखसूस, जब वो चाय के साथ दीवान गालिब सारे बच्चों को इकट्ठे करके दीवान गालिब मियाँ बीवी पढ़ रहे होते थे, हम ये सुन रहे होते थे बैठे, तो वो एक उमूमी माहौल था। एक टेक्निकली तो वो थे ही, लेकिन अदब का ज़ौक। और मैं एक चीज़ और कहता चलूँ कि मुझे शुरू से साइंस में रखा गया था, खुद इंजीनियर थे, मुझे भी इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन इसरार करके हर जमात में जो फारसी का कोर्स होता था वो मेरे लिए ज़रूर आता था कि इसे भी पढ़ना है तुमको, अच्छा तख्ती भी लिखनी है तुमको, ठीक। और वो खुशखती बाद में ईरानी खतातों की शागिर्दी तक फैली हो, लेकिन उसकी पहली बुनियाद वालिद, और मुझे कलम तराशना खुद सिखाना, चाकू पकड़ करके इसे यूं बनाया जाता है और तुम क्या लिखते हो, देखो मेरा खत देखो, इंजीनियर होने के बावजूद, तो वो एक माहौल उमूमी था। तो आप जिस जो इसकी कलम ही के अंदाज में जी बिल्कुल हैं। अब भी लिखता हूँ जी, कंप्यूटर से दिन भर उसको भी कलम की तरह दिन भर कंप्यूटर से इश्तगाल रखने के बावजूद अपनी उंगलियों की वो मशक कभी हाथ से नहीं दी जिससे हम उर्दू और अंग्रेजी दोनों को खुशखत लिखे। गवर्नमेंट कॉलेज का जमाना आपका? नहीं साहब, अभी बीच में एफसी कॉलेज है। एफसी कॉलेज और वो एक अहम चीज है, गवर्नमेंट कॉलेज से पहले एक करवट लेता है मेरा तालीमी सफर, इसलिए उसका बयान करना जरूरी है। मुझे कि जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट था और इन घरेलू असरात के अलावा हम साइंस पढ़ते थे, साइंस में बहुत नंबर लिए, जितने ढेरों नंबर हो सकते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया, गालिबन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल उस ज़माने में सर फहरिस्त होती थी। अब गालिबन वो 21 अप्रैल था या 9 नवंबर था यौम इकबाल, सेनेट हॉल में मैं एक जलसा सुनने के लिए चला गया, एक साहब उठे और भी मुकर्ररीन थे, एक साहब उठे, उन्होंने शेरवानी की जेब थपथपाई, हाजरीन गुफ्तगू शुरू कर दी। अब वो मर्द खुशकलाम, आप अभी अंदाजे गुफ्तगू की बात कर रहे थे, और उसमें एक चीज़ थी कि ये जो इंसान का मलका एक गोयाई है, ये क्यों पैदा होता है? सिर्फ इबलाग के लिए है, इंसानी ज़रूरत ने इसे जन्म दिया है, तमद्दुन के इर्तका से पैदा हुआ है, इसकी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुस्लिम तहजीब और सारी रिवायती तहजीबों ने इसको हमेशा किसी और अंदाज में देखा है, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन इंसान को ये जो मलका है गोयाई, हुस्न अदा और खुश कलामी मिली है, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की सिफत कलाम का अक्स है, और इंसान में ये अक्स सबसे उजागर है तमाम मखलूकात में। अच्छा, वो आदमी उठा, उसने इकबाल पर गुफ्तगू शुरू कर दी, जैसे जैसे वो गुफ्तगू करता गया मैं उसकी उस खुश कलामी के सहर में डूबता चला गया, और वहीं बैठे हुए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इसकी शागिर्दी करनी है। मैंने पंजाब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी छोड़कर गवर्नमेंट कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया, और बीए में मैं वाहिद मिसाल था सारे कॉलेज में जिसका जो कम्बिनेशन कहलाता है दो मजामीन का, उर्दू अदब और फ़लसफ़ा, एक आदमी था सर, और वो आदमी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर। अच्छा, सही। यूँ मैं एक मेरी तालीमी ज़िंदगी में करवट आती है कि मैं साइंस से इधर आर्ट्स की तरफ। ये और बात है कि साइंस कभी छूटी नहीं, और आज भी जब साइंस रिलीजन डायलॉग में जाना होता है तो अपने शगफ की वजह से और इकबाल के एक और फैज की वजह से, जिसका बाद में मैं जिक्र करूंगा,
साइंसदानों की बात समझने और उनको समझाने में कभी कोई दिक्कत नहीं। सही। तो आपका एफसी कॉलेज का दौरा, ये एफसी कॉलेज से निकल कर बजाय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाने के गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचने की दास्तान। सही। तो डॉक्टर साहब, इकबाल से इश्क की इब्तिदा मिर्जा मोहम्मद मुनव्वर साहब के कलाम से होती है या तकमील होती है? तकमील होती है, क्योंकि ताहिर शादानी जो पहले उस्ताद थे जी, उनके यहाँ भी ये चीज मौजूद थी, सेंट्रल मॉडल के दीगर साथजा में भी चीज मौजूद थी, लेकिन उसकी तकमील यहाँ आकर होती है और कई चीजों की भी तकमील होती है और एक और नए सफर का आगाज होता है। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको उनकी शागिर्दी मिली? जी बराबर, में आया इसलिए था, मुझे दाखिला कहीं और मिला था लेकिन मैंने इनकार कर दिया, मैं तो वहां नहीं जाऊँगा, मैं तो इस आदमी के लिए आया, मैं उनके कमरे में बैठा रहता था जब हत्या के तंग आके हमारे प्रोफेसर साहब जो भी थे, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उन्होंने कहा कि अच्छा भाई तुम वहीं पढ़ा करो, हम तुम्हें नहीं रोकते। तो हम दो आदमी थे उनके पास, लेकिन मिर्जा साहब से फिर एक तवील रिफाकत का आगाज हुआ। और मिर्जा साहब बकौल यूसुफी साहब, मिर्जा साहब एक नशा करते थे, दुनिया के सबसे तेज और तुंद नशे के आदी थे, लफ्ज का नशा करते थे, और उसका सुरूर वो अपने दायरा असर में आने वाले हर आदमी को भी मुंतकिल कर देते। अगर उन्हें दो लफ्जों में समेट कर कहिए तो मर्द खुश कलाम और दिले दर्दमंद, ये वो आदमी था। उनसे एक नए सफर का आवाज, वो जो असनामे ख्याली की आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे असनामे हकीकी में पहली जो शख्सियत है वो यही। सही। तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपने एमए अंग्रेजी? जी, मैंने बीए करने के बाद वहीं एमए अंग्रेजी में दाखिला ले लिया, और वहाँ चूंकि मैंने अभी अर्ज किया कि फलसफा और उर्दू अदब मेरा मुझे, और फलसफे में फलसफा यूनान भी था और फलसफा इस्लामी भी था, हिकमत यूनानिया भी, हिकमत ईमानिया भी, अगर उसे हिकमत ईमानिया आप कहें, चांद खानी जी, चांद खानी जदीद तालीम के साथ और ख़ास तौर पर फलसफा गर्ब के साथ जो एक जहनी जाले पैदा हो जाते हैं, वो मुझे भी उनका सामना था। और वहाँ एक वाक़ा होता है कि जिससे एक और तब्दीली आती है। हम एमए इंग्लिश में थे और मेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड था। हमारे एक सीनियर साथी थे बहुत ही अजीज़, आप भी ने सिराज मुनीर, बाद में हमारे वजीज़ भी हुए, उन्होंने मुझे मेरे कार्ड पर कहा कि भाई एक किताब निकलवा के लाओ, रेने गेनो उस आदमी का नाम है और क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड उस किताब का नाम, यहाँ मिल नहीं रही गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ चले गए पंजाब पब्लिक से, वो किताब मिल गई, वो ले गए वापस लाए तो मैंने भी पढ़ी, और मेरे जो वो मसाइल थे जो फ़लसफ़ा गर्ब के मुताले से पैदा हुए थे, वो उस किताब और उस शख्सियत के मुताले से छटने लगे सारे। सही। और फिर ढूंढ ढूंढ के और किताबें उनकी और दीगर मुसन्निफीन की पढ़ते रहे, तो एमए तक हम पहुँच कर, एमए अंग्रेज़ी। वहाँ और भी गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ और हमारे पढ़ाने वाले ऐसे थे जिनके मुझ पर उस ज़माने में बहुत असरात हुए, बिलखसूस शुएब बिन हसन, जो हमारे बहुत कम ऐसे अंग्रेज़ी के साथजा होंगे जो साहिब उसलूब भी होंगे तहरीर, वो वाकई साहिब उसलूब थे, पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। और दूसरे वो साहब जिन्होंने पहली मरतबा हमारा अंग्रेज़ी सौतियात से तारुफ करवाया कि अंग्रेज़ी का, अंग्रेज़ी ज़ुबान का सौती निज़ाम क्या है, वरना अंग्रेज़ी तो बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, और एक ही लफ्ज़ में दो स्ट्रेस बदलने से कैसे फेल जो है वो इस्म बन जाता है और इस्म फेल बन जाता है, ये चीज़ें हमें पहली दफ़ा, और उस अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब के मुताले ने जहाँ बहुत सारी हमारी नज़र में वसत पैदा की और उस चीज़ को मज़ीद गहराई दी जो हम दूसरी ज़ुबानों का, अच्छा साथ साथ हमारी फारस, मिर्ज़ा साहब की दूसरी जो चीज़ है वो फारसी ज़ुबान की तहसील है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बचपन से हम पढ़ तो रहे थे, फारसी अरबी अंग्रेज़ी उर्दू सभी के आम के आलिम थे, वाह वाह, और क्या एक यकसा रवां थे हर ज़ुबान में। पहले मुझे याद है कि निकी केडी आई, पहली मरतबा मिर्ज़ा साहब को सदारत के लिए बुलाया गया सिराज मरूम के यहाँ, तो उठे और बिला तकल्लुफ अंग्रेज़ी में तकरीर शुरू कर दी, बाद में कहने लगे मेरी पहली अंग्रेज़ी तकरीर थी, और कोई पहचान नहीं सकता था कि मिर्ज़ा साहब ने आज ये इट्स अ मेडन स्पीच। तो उन्होंने हमें पकड़ के कहा कि ये क्या तुम उर्दू पढ़ते हो, हमारे पास उर्दू अदब पढ़ते हो और फारसी नहीं पढ़ते तुम, चलो कल से इतनी गज़लें हाफिज़ की ये और ये हिकायत सादी, तुम्हारी फारसी की तदरीस शुरू हो जाए। और साहब हमने पाँच गज़लें और शायद 15 हिकायात ये दर्शन दर्शन पढ़ी होंगी,
उसके बाद आज तक हमने फारसी किसी जमात में किसी इदारे में नहीं पढ़ी, लेकिन फारसी की इतनी मोटी मोटी किताबों का तर्जुमा किया, बिला तकल्लुफ फारसी बोलते हैं लिखते हैं, कोई मसला नहीं होता। वो उस शख्स का, उस रोज़ का रखा हुआ लगाया हुआ पौधा था जो बाद में तनावर दरख्त बना। डॉक्टर साहब, वो स्कूल में, वो जो पहले स्कूल अंग्रेजी स्कूल में आपने दाखिला लिया और वहाँ से इब्तदाई तालीम का आगाज होना था जी, तो वहाँ पर नाकामी की वजह फिर क्या समझ में आती है आपको बाद में, अब ये पूरा सफर तय करने? मैं अगर लौट के देखूँ, माजी में झांकूँ, तो यूँ लगता है कि शायद वो एक मसनू निज़ाम तालीम था जो बजाय मेरे अंदर के जौहर को उजालने निखारने के, उसको एक मसनू तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था जिसमें मैं चल नहीं पा रहा। सर, इसमें एक और सवाल यासिर की बात में इजाफा करते हुए कि आपने इस तवील तालीमी सफ़र में जी जहाँ से आगाज़ किया, उस वक्त आपने क्या महसूस किया कि आप जिस तालीमी निज़ाम में पढ़ रहे हैं वो आपसे क्या मुतालबा कर रहा है? वो आपसे जहानत का मुतालबा करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाता है, या आपकी याददाश्त को बढ़ाना चाहता है? आज आप इस स्टेज पर पहुंचकर अगर एक वापसी निगाह डालें तो आप क्या समझते हैं कि उस तरीके तालीम ने क्या दिया? मतलब वो बनावटी जो था उसमें क्या था सर? वो जिससे मैं अपने गैर मुतमईन होने का या अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहा हूँ, वो दरअसल इतनी कम उम्री की बात है कि मैं उसको ठीक से तजिया तो नहीं कर सकता कि उसमें बुनियादी खामी क्या थी, लेकिन जो याद उभरती है वो यही था कि वो एक इस तरह का बोझ लादना जिसमें बजाय मेरे जहन को इस्तेमाल करने के, उसको एक, जैसे अभी आपने कहा कि मसनू तरीके से, यानी आपकी याददाश्त को बढ़ाने का एक तो याददाश्त की आजमाइश या जिंदगी को समझने की सलाहियत को बढ़ाना, वो नहीं था उसमें। आज है, आज तो मैं बहुत आगे निकल आया उस मरहले से, लेकिन उसके बाद जिस तालीमी निज़ाम में से गुजरा हूँ मैं, वो था यकीनन ऐसा। मतलब आप मुसलसल उस तालीमी ज़िंदगी से या इल्मी ज़िंदगी से तो वाबस्ता रहे हैं जी जी, तो उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ जो तगैयुरात, जो तब्दीलियाँ हुई हैं, तो अब आप क्या तज़िया करते हैं उसका? अब इस वक्त हमारे इर्द गिर्द दो या तीन निज़ाम, बहुत से, तो दो तीन भी पुराने हो गए, उनमें ये खामी है कि वो बजाय उस सलाहियत को इस्तेमाल करने के इस तरह का बोझ डालते हैं कि वो दब जाती है। यानी तालीम का बुनियादी मकसद तो ये है ना कि तालिबे इल्म अपनी ज़िंदगी की फहम पैदा की जाए, चीज़ों को समझने की सलाहियत पैदा की जाए, या ये है कि उसकी जो याददाश्त की सलाहियत है उसको बढ़ाया जाए महज? तो यहाँ बेशतर अब याददाश्त की सलाहियत बढ़ाने पर जोर सर्व किया जा रहा है। सही। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद आपने फिर? जी, गवर्नमेंट कॉलेज एमए हमने कर लिया। अच्छा, एमए करने और उसके बाद का एक दरमियान का दौर भी अजीब दौर है कि मुझसे, मेरे साथी जो मुझसे मदद लेकर पढ़कर उस ज़माने में हुआ करते थे, उनमें से कई सीएसएस टॉप करके नौकरियों में जा चुके थे, मगर मैं किसी वजह से आज़ाद घूम रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ये गवारा नहीं था कि जब तक मेरा शौक़ और माश यकजा ना हो, अंग्रेज़ी मुहावरे में पैशन एंड प्रोफेशन इकट्ठा ना हो, ये कोई शर्त नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं आज़ाद घूम रहा था, लोग सीएसएस में जा चुके थे। दरमियान में मैंने कुछ और काम शुरू कर दिए, रिवायत उसी ज़माने में निकाला, एक स्कूल खोल लिया, स्कूल में वो एक हमारे सर पर सवार था कि इस्लामी तालीम को जदीद तालीम के साथ बेहतरीन आमेजिश, वो आप सुनते ही रहते होंगे ऐसी चीज़ें, रिवायत किया, रिसाला है जो आवाज किया, इल्मी मुतसर्रफाना और फलसफियाना मजामीन का हामिल, वो स्कूल बना लिया, उसको दो साल अपनी जेब से चलाते रहे, वो डूब गया, डूबना ही था उसको, हर एक की फीस माफ़ करते जाएं तो फिर बिल आखिर कब तक चलेगा, इस तरह की चीज़ें करते। फिर गैर मुल्की सफ़र पर निकल गए, दरमियान में आपकी शख्सियत का एक बहुत दिलचस्प पहलू है कि सयाहत, सयाहत साहब बहुत बहुत बचपन से है, मैं सैर व शिकार, ये भी हमारे वालिद मरहूम से चली आ रही है चीज़, मुझे याद पड़ता है कि मैं शायद चौथी जमात में हूँगा जब पहली मरतबा मैंने सफ़र शुमाल का किया। अच्छा। और उसके बाद से अब तक मुझे हर साल कोहे निदा आवाज़ देता है,
अगर कोई और चीज़ दामनगीर ना हो शहर की मकरूहात में से, तो मैं ज़रूर ये कोशिश करता हूँ। लेकिन ये तो मुल्की सफ़र की बात। अय्युहन नास चलो कोहे निदा की जाने, आप इस आवाज़ में कान भरते हैं। जी हाँ, लेकिन ये तो ये कि उस सदर में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में आपने सफ़र किया। जी, और वो भी बहुत कम उम्र में किया, कि अब तक करता चला आ रहा हूँ। लेकिन पहला जो मुल्क होंगे मैट्रिक के फौरन बाद कंधे पे थैला डाला और दो तीन दोस्त हम अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की के सफ़र को निकल गए। वही बसों पे, जैसे शहर ब शहर, करिया ब करिया घूम घूम के देखना। और डॉक्टर साहब, तो गालिब के खत वाली बात हो गई ना, गालिब अपने खत में भी यही तहरीर करते हैं कि वो कंधे पर वो डाला और हाथ में लोटा पकड़ा और चल निकले। तो ये बिल्कुल वही बात, जैसे वो मिसरा भी है ना कि हुई सुबह और रख कर कार्ड पर बाहर कलम निकले। तो वो कलम रख कर निकले, ये बैग लेकर निकले। बहुत सफर किए इसके और अब तक करते रहे। वो पहला गैर मुल्की सफर था बहरहाल हमारा उस कम उम्री में। उसके बाद शिकार मैंने आपसे अर्ज किया कि वो तो अब छूट गया, कि उसकी इस्तेतात नहीं रही कारतूस खरीदने की, जितने महंगे हो गए। लेकिन वो भी हमारे वालिद ने उस जमाने में लगा दिया, सैर भी और ये भी। ये जो दरमियान का मैं अर्ज कर रहा था, एमए करने के बाद और नौकरी में वारद होने के दरमियानी अरसा, ये था हमारा जिसे आप आवारगी कहिए। और एक चीज़ और जो बीच में रह गई, जिस तरह फारसी की तहसील की, उसी तरह मैं इस दरमियानी अरसे में बीए और एमए के दरमियान एक बहुत तवील वक्फा आ गया था। रिजल्ट्स, नतायज बहुत लेट कर दिए थे इन्होंने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। उससे फ़ायदा उठाकर मैं अपनी अरबी ज़ुबान की तहसील जो पहले से चल रही थी वो, और कुछ हिफ्ज़े कुरान और तजवीद, उसकी तकमील उन छः महीनों में। अरबी ज़ुबान की तहसील कहाँ से? साहब, इस मामले में मिर्ज़ा मुनव्वर साहब के अल्फाज में मैं इल्मी उचक्का हूँ। वो इल्मी उचक्का कहा करते थे। ताहा हुसैन का एक वो है फ़िक्रा है, खत्ताफून अल इल्म, इल्म को उचकने वाले, कुछ यहाँ से उचका, कुछ वहाँ से उचका, कुछ वहाँ से पकड़ा। तो यानी आप हसरत मोहानी के लफ्ज़ों में कहना चाहते हैं कि तब हसरत ने उठाया है हर उस्ताद से फैज़। जी, बहुत से अरबी में मैंने बहुत से उस्तादों से फैज़ उठाया, पाकिस्तानी भी, मिस्री भी, यहाँ बाकायदा रस्मी उलामा भी, और ये जदीद यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए भी। तो बहुत से नाम हैं जिनका मुझ पर एहसान है कि अरबी बहुत अच्छी उसी ज़माने में हम पढ़ गए कि बाद में कभी मुश्किल किताबों को भी खोलने में दुश्वारी नहीं हुई। दरस-ए-निज़ामी की तकमील? जी बिल्कुल नहीं, मैंने भी अर्ज किया ना कि खत इल्मी उचक्के जो हैं वो किसी बाकायदा तरतीब से तो पढ़ते नहीं। ज़ुबान पढ़ी और खासी गहराई तक पढ़ी, लेकिन फारसी की तरह इसका भी कोई रस्मी किसी मदरसे से या किसी इदारे से कोई इंतसाब नहीं रहा। अच्छा, असफार का जिक्र हो रहा था। तो जी, अब तक आप दुनिया के कितने मुल्कों में या किन किन नुमाया मुल्कों में जा चुके हैं? तवील फहरिस्त है। मैं वापस आना चाहता था दरअसल के एमए करने के बाद दरमियान में हमारी ये जो स्कूल खोला और ये वगैरह वगैरह निकाला, उसके बाद बीच में हमारी शादी आ गई, उसके बाद पहला दूसरा तवील बैनुल अक्वामी सफ़र शुरू हुआ। शादी भी हमारे अजीब किस्सा है कि हमारे ससुर ने भेजी शेरवानी और टोपी के पैसे, वो मैंने रिवायत के कातिब को दे दिए और ख़ुद एक कोटी पहन के, जिसमें बताते हैं कि कुर्ता फटा हुआ था, मैं पहुंच गया। और पहुंचा भी किस तरह कि लेट गया, पहले प्रेस गया और रिवायत अव्वल के 15 शुमारे जिल्द साज से बनवा कर फिर शादी घर में पहुंचा। सही। और अगले दिन वलीमे के रोज़ मैं प्रूफ देख रहा था किसी अंग्रेजी किताब के, और आज तक उसका ताना मुझे मिलता है कि आप मुझे देखने की बजाय तो प्रूफ देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे कता कलामी की माजर, ये जो इस दौरान में मतलब आजकल तो, और आपने भी कहा कि आपके जो फैमिली थी वो भी एक सक्सेसफुल लोगों की भरमार थी वहां पर, और मगरबियत भी उसमें किसी हद तक मौजूद थी। तो जब वो आप एमए के बाद फारिग फिर रहे थे और आपने कहा पैशन और प्रोफेशन जो था वो मिल नहीं रहा था, और फिर शादी और वलीमे के रोज इस तरह की सूरत हाल में पाए गए, तो वो घर वालों का क्या रद्द अमल था इस सारे? हाँ, कुछ उनके थी एक तश्वीश सी कि ये क्या कर रहा है, कुछ करता क्यों नहीं। क्योंकि मैंने एक उस अरसे में एक और भी अहम काम किया था, अब्बा ने हमें 50,000 रुपया दिया, बहुत बड़ी रकम थी, 82-83 की बात है। मैंने उसका क्या किया कि एक हमारे दोस्त थे असलम सोहेल, अब भी हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत काम के आदमी हैं, वो अरबी और फारसी की किताबें छापते थे, अब भी छापते हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाई अंग्रेज़ी की वो किताबें छापो
जो यहाँ बहुत महंगी होती हैं, इम्पोर्ट होके आती हैं, जब तो मैं पैसे लगाता हूँ, तुम वो किताबें छापो, किताबें मैं मुंतखब करूँगा, किताबें वो होंगी ख़ास तौर पर जो मगरब के यानी अमरीका और यूरोप के नॉन मुस्लिम हैं। अच्छा, अमरीका और यूरोप से पहले जो आपके असफार का पहलू है जी, वो तो आपने बताया कि बहुत तवील फहरिस्त है, उसका तो बयान मुश्किल होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो सफ़र जो 4 साल की उम्र से शुरू हुए और जिनका सिलसिला अब तक जारी है, उनसे आपने क्या अख्ज किया सफ़र से, ज़िंदगी के फहम में क्या राहें कुशादा हुई। गालिब ने तो कहा था ना कि मकसूद मनज काबा व आहंग सफ़र, जुज तर के दयारो जनो फरजंद नबूद कि सिर्फ जान छुड़ाना चाहता था इसलिए सफ़र इख्तियार किया। नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें तो इब्तदाई शौक़ तो दुनिया देखने का था, फिर चूँकि एक अदब से ज़ुबानों से दिलचस्पी थी और उसके हमारे इस्लामी तहजीब के अपने जो तहजीबी मंतक़े हैं, अलग अलग तमदनी मंतक़े हैं, उनको ख़ुद बराह रास्त देखने का एक शौक़ था, कुछ तफरी का अंसर भी था जैसे पहाड़ों पे जाने का, और वो जो एक अंदर चीज़ आलम फितरत आलम तबी जिसे हम उसे भी एक तरह की खानका कह सकते हैं, उसका अपना सबक होता है, वो बग़ैर जाने हुए भी बचपन से वो चीज़ अंदर थी, इन सब चीज़ों ने मिलकर सफ़र और बहुत से बाद के सफ़र जो है वो फ़र्ज़ मनसबी भी किए। और ये ज़माना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एमए करने और दरमियान में ये तजर्बे, किताबें छापने, रिसाला निकालने, स्कूल बनाना, इसके दौरान भी जो सफ़र शादी के बाद हुआ उससे कुछ और भी मकसूद था, वो एक तवील सफ़र था जो अमरीका यूरोप अमरीका इंग्लैंड जर्मनी स्विट्ज़रलैंड 3-4 ममालिक पे था और 4-5 महीने उसमें हम कैंपिंग भी करते रहे, तफरियात भी करते रहे, लेकिन उसमें बुनियादी मकसद था कुछ ऐसी शख्सियात से मिलना जिनकी मैं किताबें पढ़ता रहा था, जिनकी फ़िक्र से मुतासर था, जिन्होंने मेरे बहुत से फ़िक्री मसाइल हल किए थे, और वो अहद हाज़िर जदीद दुनिया के मसाइल, शर्क व गर्ब की आवेज़िश, फ़लसफ़ा जदीद, दीन दीन को पेश आने वाले चैलेंज, जदीद साइंस, जदीद फ़लसफ़ा, इन मौजूदात पर आपकी मुराद मार्टिन लिंग साहब से है, वो भी हैं इन लोगों, रेने गहनों तो बहुत पहले फौत हो चुके थे 1952 में, लेकिन और लोग मसलन फ्रिज़ ऑफ शुआन, ईसा नूरुद्दीन और अबू बकर सिराजुद्दीन और टीटस बरकाट, इब्राहिम इज़ुद्दीन, इन लोगों से मिलना भी एक उस सफ़र का मकसूद था कि जिनसे जिनकी किताबें पढ़ते रहे थे उनसे मैं मिल सकूं। तो वो सफ़र सिर्फ तफरीही सफ़र या हनीमून का सफ़र नहीं था, उसकी एक बुनियादी गर्ज़ो गायत ये भी सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हो रही है किताब और सफ़र की, तो एक सवाल मेरे जहन में ये उठ रहा है कि किताब इंसान की शख्सियत को बनाने में ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है या सफ़र अमली तजुर्बा? आप मेरी ज़ाती राय तो मैं तो किताब का आदमी हूँ, अगरचे सफ़र भी मैंने बहुत किए हैं ज़ाहिर, लेकिन मेरी अव्वलीन तरजीह तो किताब ही रही है। और आज भी अगर मेरी फ्यूडल फैंटसी यूसफी साहब की ज़ुबान में पूछी जाए तो वो किताबें हो फरागत हो गोशाए चमने के सिवा का कुछ नहीं, फरागती व किताबी व गोशाए चमनी। अच्छा, आपके इस सफ़र में एक मरहला जो है वो तसव्वुफ़ का भी है, उस कूचे में आप कैसे दाखिल हुए? साहब, ये एमए के ज़माने और इस दौर में ही मेरी कुछ गैर मामूली लोगों से मुलाकातें शुरू हो गई, और उसमें से हर एक का नुक्ता आगाज़ लाजमन तसव्वुफ नहीं था। तसव्वुफ से शगफ़ तो खैर घर में भी मौजूद था, नाना वालिद बैत थे, मैं भी देखा देखी नौमरी में हो गया था, लेकिन ये जो गैर मामूली लोग थे इनसे मुलाकातें उस ज़माने में हुई, मतलब उनमें नजूम के माहरीन भी थे, अच्छा तिब के भी थे, और कुछ ऐसे मख्फी नूम के भी थे, उनके पास बैठ के कहते तो थी कि अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने ऊट पटांग बात सोची है, वो मुझे ऐसी बात नहीं सोचते, वो मेरे अंदर जहन में झांक रहा है ये कैसा आदमी है, ये इसका मतलब है कि ये एक और दुनिया के मुसाफिर भी हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही। ये एक नहीं, कई लोग थे पै दर पै जिनसे मेरी तवील सोबतें रहीं, बहुत मेहरबान भी रहे मुझसे, उससे वो कि ये जो हमारे हवास की दुनिया है इससे मावरा ज़ाहिर है, मानते तो सभी हैं कि सिर्फ हवास की गिरफ्त में आने वाली दुनिया ही सारी दुनिया नहीं है, और भी है, लेकिन उसका जायका मुंतकिल करना सही।
वो और चीज़ होती है। वो ऐसे आदमी के पास आप बैठे, जो एक दफ़ा मैं एक अमरीकी को वासिफ अली वासिफ साहब के पास लेकर गया, वो थोड़ी देर वहाँ बैठ के बाद मुलाकात हो गई, आ गया, ये आदमी यहाँ होने के अलावा कहीं और भी था और जहाँ कहीं और था वहाँ का अक्स यहाँ डाल रहा था। अच्छा, अब वो अमरीकी ये कह रहा है, मुसलमान था लेकिन उसके लिए ये गैर मामूली लोगों से मुलाकातें। फिर इससे कदम आगे बढ़ के ये इस किस्म के लोग थे। फिर जैसे मैंने सफर में कहा कि उन लोगों को देखा कि ये कौन लोग होते हैं कि जिनको तिजारत और व्यापार जो है याद खुदा से एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं करता, ये कैसे शख्सियत की वजूद की दो सतहें किस तरह आमेख्त होकर बेक वक्त चलती हैं जो हम आम आदमी को नहीं महसूस होती, को मुयसर नहीं होती, ये कौन लोग हैं, ये क्या मसला है। तो इस तरह की और भी बाद में और भी कुछ शख्सियात मिली जिनका रुआं रुआं याद खुदा का एक मजहर बन चुका। मजहर ऐसा ही नहीं, मजहर तो मजहर वो कहिए जो आंखों से नजर आ रहा हो, ऐसे बहुत कम लोग, अजीब हैरतनाक लोग थे। और फिर उन्हें देखा कि दिन के मुजाहिद रात के शब जिंदादार, और उसके बावजूद आप उनके पास बैठिए तो उनकी बोटियां तक याद खुदाबंदी से भड़कती हुई नजर आती। ये ताज्जुब खेज चीजें थी जो अपनी मेरे गोश्त पोश पर बीत रही थी। आपने तो मुझे पता नहीं किन सलासल में साहिब इजाजत। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा कि पैशन और प्रोफेशन मिल नहीं रहे थे, तो उस वक्त पैशन था क्या? अदब से लगाओ, जुबान से लगाओ, सफर से लगाओ, या इस तरह की ये सोशल जुबान और अदब? अच्छा अच्छा, यानी कोई ऐसा काम जिसमें मेरा पेशा भी वही हो, कलम, ठीक, जुबान व अदब, और शौक भी वही हो, तो ऐसा कम होता है। वो घर बैठे बैठे एक दिन बुलावा आ गया, अब वो मरहला आता है इसके बाद। सर, अच्छा, ये जो आपने उरफा का जिक्र फरमाया और आप तसव्वुफ के हमारे चारों सलासिल जो हैं, मेरे साथ जाने दीजिए, नफ्सानिया, कादरिया और सोहरवर्दिया, उन सब से ताल्लुक रखते हैं जी, और शाजलिया सिलसिले में आप बाकायदा उसमें रियाजत के मराहिल भी तय फरमा चुके हैं, तो इस तजर्बे के बारे में कुछ बताइए कि एक तो आपने वो किताबी इल्म हासिल किया और ये दूसरा जो रूहानी इल्म हासिल किया, इससे ज़िंदगी की क्या फहम पैदा हुई, या इन दोनों उलूम में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? आप मुश्किल मुश्किल सवाल कर रहे हैं मुझे, जिनसे मैं आपसे पेश की बचने की दरख्वास्त की थी। जरा आप सवाल दोहराओ। के साथ तो आपका ताल्लुक बचपन से चला आ रहा है। जी हाँ जी, जैसे आपने बताया दीवान हाफिज और बाल जिब्रील जिस ताक पे धरी हुई थी वो ताक निसियां भी नहीं थी, उसकी तरफ रुजू भी होता रहता था। जी हाँ। और फिर जाहिर है कि आप फलसफे में भी पढ़ते रहे और अदबियात का भी आपने मुतालिया किया, लेकिन ये जो कुछ तसव्वुफ में आप गए उसकी बाकायदा रियाजत के मरहले आपने तय किए, तो इन दोनों दुनियाओं में क्या फर्क है? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनका बैक वक्त इन दोनों दुनियाओं का तजर्बा हो। नहीं साहब, बहुत लोग रहे हैं इसके और हमारे जमाने में रहते हैं। माफ कीजिएगा, वही जो इल्म नजरी और इल्म अमली में होता है, तजल्लियात करीम व मुशाहदात हकीम, ये साहब बहुत बड़े अल्फाज हैं। देखिए, वो आपको याद होगा कि वो जो मशहूर वाकया है, चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, ये आपने किताबों के साथ इंसानों को कैसी किताब समझा? नहीं, इसको यूं ही दूसरी तरह देखिए, इंसान, आप वजूद इंसानी के तीन अगर दर्जात कर लीजिए, एक बदन, सोच और उससे गहरी सतह जिसे आप नियत की सतह कहिए, मुहर्रकात की सतह कहिए। हदीस जिब्राइल आपको अगर याद हो कि जब वो ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एक अजनबी आता है हज़रत अलैहिस्सलाम की मजलिस में और वो पूछता है, तो आप उसको जवाब देते हैं कि वो तीनों डायमेंशन या तीनों जिहात वजूद इंसानी की, उसमें ये तीसरी जो सबसे गहरी जिहत है जिसे आपने एहसान से कहा और तारीफ यूं फरमाई इसकी, गोया तुम अल्लाह की इबादत यूं कर रहे हो जैसे उसे देख रहे हो। अब या वो तुम्हें देख रहा है। पहला तो कानूनी आमाल हो गए जी,
दूसरा वो फिक्र सही हो गई या फिक्र सलीम हो गई जो आपके अकायद आपकी सोच से मुतालिक है, और तीसरी इन सब की तह में कार फरमा आपके मुहर्रिकात अमल। वो अगर मबनी पर इखलास नहीं है और बिलुमूम हमारे इंसानी वजूद में ये तीनों एक सतह की हम आहंगी के साथ नहीं होते। यहाँ जिस चीज़ को जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसे अब तसव्वुफ़ कहें, इरफान कहें, कोई भी नाम दे या एहसान का नाम दे, वो इस तीसरी सतह को इन दोनों सतहों की बुनियाद के तौर पर मुस्तहकम करने का काम है कि और वहीं से उसकी जैसे चश्मे से पानी फूटता है वैसे आपके मुहर्रिकात अमल भी आपके ज़ाहरी अमल और आपकी सोच दोनों के लिए आबियारी का काम करें। अच्छा, आपने अपने इस तजर्बे को जी अपनी तदरीस पे भी इस्तेमाल किया, चूँकि आप मलेशिया के जो बैन अल-अक़वामी जी वो काफ़ी इस्लामी और तहजीब का इदारा है वहाँ पर, वो बात कई साल बाद आती है, तकरीबन 10 साल बाद, लेकिन यकीनन इस्तेमाल किया क्योंकि वहाँ मेरे मौजूदात भी यही थे। फिर उससे पहले कि मैं वहाँ आऊँ तो मुझे वो जो एक वाक्या आप सुनाना चाह रहे थे कि वो घर बैठे बुलावा आया, तो वो जी वो अब तक तो मैं आज़ाद घूम रहा था पैशन प्रोफेशन इकट्ठा होने का इंतजार करके, तो एक रोज़ मिर्ज़ा मुनव्वर साहब ही का फ़ोन आया, बेटा तुम सुबह आ सकते हो? कहाँ? इकबाल अकेडमी। मिर्ज़ा साहब उस वक्त तक पंजाब यूनिवर्सिटी से अलग होकर रिटायर होकर यहाँ इकबाल अकेडमी बुला लिए गए थे। आ जाऊँ? मैं सुबह हाजिर हो गया तो कहने लगे कि तुम यहाँ डिप्टी डायरेक्टर बनोगे? बिल्कुल बसरो चश्म, क्योंकि उस वक्त तक मेरी ज़मीनें एक हादसे की शक्ल में ज़ाया हो चुकी थी और ज़ाहिर है ख़ानदानी मालो असबाब इतना तो नहीं था कि मैं बग़ैर किसी किस्म की कस्बे माश के गुजारा कर सकता, तो अल्लाह की तरफ से एक और साथ ये कि यहाँ वो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही थी कि जो काम मुझे करना था बतौर नायब नाज़िम के वो सरासर तसनीफ़ो तालीफ़ तहकीक लाइब्रेरी इकबाल उससे मुंसलिक था। तो हम अगले रोज़ से हाज़िर हो गए, घर बैठे बुलावा आ गया। इसके बाद यहाँ जो मैंने इनसे आज सुबह अर्ज़ कर रहा था कि मैं अगर लौट के देखूँ यहाँ तक के अपने सफ़र को और उसके बाद भी आज तक के, तो मेरा सफ़र अज़ीज़ सारा अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा इनामात है जिस पर मुसाफिर नवाज हर जगह खड़े हुए थे, अच्छे वालिदैन, अच्छे उस्ताद, अच्छे दोस्त, जान छिड़कने वाले भाई बहन, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे और अच्छे उस्ताद, मातहत, अफसर। तो सब अच्छे उस्ताद और अच्छे दोस्त और अच्छे मातहत, अच्छे अफसरान, ये इंसान को कुदरत की तरफ से मिलते हैं या खोज भी इनकी लगानी होती है? ये बहुत क्या सवाल है साहब। इंसान इन्हीं चीज़ों से गालबन सदियों से उलझता आ रहा है कि नेचर वर्सेस नर्चर, तकदीर है या तदबीर है, खोज। मुझे तो सब कुछ जनाब इनामात के तौर पे मिलता चला है, मैंने कभी प्लानिंग तक नहीं की। मुझसे लोग बाज़ औक़ात पूछते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी की क्या मनसूबाबंदी की थी? कुछ भी नहीं की थी। था मैं तो पता नहीं मुझे कुदरत किधर उंगली पकड़ कर ले जाती रही, इन्हीं इनामात में से गुजारती रही, मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं की। अच्छा, मैं तो इसको अपनी ब्लेसिंग्स के तौर पर, नेमतों के तौर पर शुमार करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही थी लिसानियात के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह अरबी, फारसी, उर्दू, बहुत सी दूसरी जुबानों में आपने इल्म हासिल किया, तो जो लिसानी तजुर्बे हैं वो हर जुबान में होते रहते हैं। अब जो उर्दू है वो भी, उसको भी लश्करी जुबान कहा जाता है, बहुत सी जुबानों का मजमुआ। लेकिन आज के दौर में जब हम उर्दू या अंग्रेजी को मिलाते हैं, या ये कि जब ये भी एक लिसानी तजुर्बा ही है ना, कि आज का दौर ऐसा हो गया है कि हम अंग्रेजी को भी मिक्स कर देते हैं और उर्दू और इसको जिसको इम इंग्लिश कहा जाता है, तो इसको कबूल नहीं किया जाता, तो क्या ये लिसानी तजुर्बा नहीं? इसका जवाब तो जाहिद साहब को देना चाहिए, मेरी जाती तरजीह। ये तजुर्बा सैयद अब्दुल्ला साहब के लफ्जों में जी, जो नई जिन्नाती जुबान जरूर पजीर हो रही है, क्या उसे एक लिसानी तजर्बा कहा जा सकता है? देखिए, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचा, एक बात, एक नुक्ता रह गया था, याद आ गया आपके कहने से, तो वो बड़ा, वो उस जमाने का शोबा उर्दू बहुत ताकतवर था, एक से एक जवादरी बैठा हुआ था, लेकिन मिर्ज़ा मुनव्वर साहब को एक इम्तियाज हासिल था, उनकी वैसे ही अपनी शख्सी शान और इल्मी आन बान अपनी थी, लेकिन एक चीज़, आप उनसे घंटों गुफ्तगू करते रहिए, वो मुसलसल फसी रवां उर्दू में गुफ्तगू करते रहेंगे और अंग्रेजी का एक लफ्ज़ नहीं आने देंगे। ये एक ऐसा हुनर था जो मैंने किसी और में नहीं देखा। हम उस ज़माने में उनकी इस मामले में ख़ास तौर पर नकल करने की कोशिश करते थे, बरसों कोशिश करके
उस महारत को हमने उस वक्त भी, लेकिन बाद में हमने क्या देखा कि जैसे जमाना बदला, आपने बात की तजर्बा कर, हमने मैंने ये महसूस किया कि मैंने वो कुदरत तो हासिल कर ली है कि मैं आपसे घंटों गुफ्तगू करता रहा हूँ और अंग्रेजी का कोई लफ्ज़ ना आने दूँ, और अंग्रेजी बोलूँ तो दूसरी जुबान का आने, तो फारसी बोलूँ तो, लेकिन अब जिस माशरे में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वहाँ मेरा ये हुनर मेरे इबलाग में हारिज हो रहा है, यानी मैं दूसरे लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ और गुफ्तगू करते हुए मैं इसी नहज पर गुफ्तगू करता चला जा रहा हूँ, बात उन तक पहुंच नहीं रही, कम्युनिकेट नहीं हो रही। ये जो गंगा जमनी है मिलाने वाला काम, ये अब जरूरत भी बन गया है। एक दूसरी बात है कि अगर आपकी नजर हकायक पर या मफहूम पर है तो किसी हद तक ये मुनासिब है कि आप जो आपका मुखातब है उससे ये तकाजा ना करें कि तुम जब तक ये पूरी खालिस जुबान पर उगूर हासिल नहीं करोगे तुमसे मुकालमा नहीं हो सकता। उस चीज़ को मुंतकिल, वो ज़्यादा अहम है कि अगर आप अपनी बात उस तक मुंतकिल कर सकते हैं इस आमेजे के साथ, इस गंगा जमनी के साथ, या इसे क्या आप कह रही हैं इंग्लिश जी, इंग्लिश इंग्लिश तो उसमें कोई मजाका नहीं, क्योंकि बहरहाल वो मुकदम है। लेकिन ये खुशकलामी जो है ये हमारे माशरे से उठती जा रही है, इसको बाकी रखने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए कुछ लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन ये इसरार करना कि नहीं साहब आप खालिस जुबान बोलेंगे तभी आपसे गुफ्तगू हो सके, ये मुनासिब नहीं, इससे और बहुत सारे काम, जरूरी काम माशरे के रुक जाते। जो आपकी तसनीफी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आपने अंग्रेजी और उर्दू में लिखा जी, और इन दोनों जुबानों में आपने रिसाले भी जारी किए, स्टडीज इन ट्रेडिशन अंग्रेजी में और रिवायत उर्दू में जी, इसके अलावा इदारा सकाफत इस्लामिया के जब आप डायरेक्टर थे तो अलमारिफ के एडिटर रहे, इकबाल एक आदमी में आए तो इकबाल रिव्यू और इकबालियात जो चार जुबानों में बल्कि पांच जुबानों में पांच में हो शायद होते हैं उनकी इदारत आपने की। तो आपकी किताबों में ख़ास तौर पर एक तो डिस्क्रिप्टिव कैटलाग है जो लाइब्रेरीज का आपने तैयार किया, उसके अलावा एक फारसी में किताब है हर्ष गोयद रीद गोयद, एक उर्दू में किताब है खुतबात इकबाल नए तनाजुर में। तो ये जो मौजूआत आपने इंतखाब किए हैं अलामा इकबाल के खुतबात या कलंदर हर्चे गोयल दीदे गोयल, अगरचे उसमें कलंदर का लफ्ज़ तो आप नहीं लाए, और इसी तरह वो एक तौज़ीही किताबियात तैयार करने का, तो इन मौजूआत से आपकी क्या मुनासिबत है या इनसे कैसे मुनासिबत पैदा हुई? और डॉक्टर साहब चाय भी साथ ही, बहुत शुक्रिया। देखिए अभी एक तो रिवायत का जिक्र पहले आ गया जी, ये हमने 82-83 में दोस्तों के एक इंटेलेक्चुअल इलीट एक छोटे से ग्रोह ने ये फैसला किया कि साहब उर्दू में एक ऐसा रिसाला भी होना चाहिए जिसका मौजू वो ना हो, हम अफसाना नहीं छापना चाहते, हम नावल नहीं छापना चाहते, हम रिपोर्टाज नहीं छापना चाहते, ये चीज़ें बहुत अच्छे मायार की उर्दू में हो रही है। इस वक्त उर्दू में जो कमी नज़र आ रही है वो एक ऐसे इल्मी और फ़लसफियाना रिसाले की जिसका मौजू फ़लसफ़ा माबादुत तबीयात तहजीब तहजीबी मुकालमा इस तरह के मौजूआत, तो वो हमने रिवायत इस तरह से शुरू हुआ। उसमें तराजम भी थे, तबाज़ात भी चीज़ें थी, खुद मैंने उसमें बहुत काम किया, कलमी नामों से भी लिखा, आधा रिवायत खुद ही तैयार कर दिया। अस्करी साहब की किताबें भी आपने मुरक्कब की, आपने अच्छा नाम याद दिलाया जी, अच्छा नाम याद दिलाया, क्योंकि अस्करी साहब मेरे फिक्री सफ़र में एक अहम असरात में से एक हैं, वो एमए ही के ज़माने में हुआ और वो सिराज मुरीन मरहूम ही उसकी तरफ रहनुमा बने और कई चीज़ों की आपने मुरत्तब की। या पहले ये रिवायत निकला, फिर मैं झलकियाँ दरअसल हमारे एमए इंग्लिश का इसे आप क्या कहते हैं ज़ैली पैदावार बाई प्रोडक्ट था। उस हम लोग जो हमारा ग्रुप था वो ये सेमेस्टर सिस्टम का गिनी पिग था, फैसला ये हुआ कि एमए इंग्लिश के सारे पढ़ने वाले इस साल थीसिस लिखेंगे उर्दू अदब पर, मौजू अपना मुंतखब कीजिए लेकिन लिखना आपको अंग्रेजी में है और उर्दू अदब के किसी आदमी पर लिखना है। तो मैंने अस्करी साहब का बहुत खूब अस्करी साहब हयात व अफकार, बल्कि उनका खास एक मौजू था इंसान और आदमी, जी 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 आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान, उनका उलट था ये मामला, कहते हैं कि इंसान तो लोग बन गए हुए, ये आदमी नहीं रह गए, इनको आदमी बनना, मुझे मैं इंसान बन गया हूँ, अब मैं इंसानों आदमियों से कट गया हूँ, मुझे वापस
आदमी बनना है, वो जो करार साहब का करार साहब वाली जी बिल्कुल, हमारी आधी उम्र कालिश में सर्फ हुई कि आम आदमी से खास आदमी बने, और जब खास आदमी बन गए तो बाकी आधी उम्र दोबारा से आम आदमी बनने में सर्फ हो रही है। तो मेरा थीसिस उस पर था, थीसिस की तलाश में, मवाद की तलाश में कराची गया तो वहाँ झलकियाँ बेदल लाइब्रेरी में से वो सारी वॉल्यूम्स निकल आई, तो साथ साथ हमने वो भी मुरतब कर दी, रिवायत हो गया, झलकियाँ हो गई। रिवायत में आपने अस्करी साहब के खतूत शाये किए पहले? जी, वो असल में शबखुन में शमसर रहमान फारूकी के नाम थे चूँकि, वहाँ छप चुके थे लेकिन पाकिस्तान में चूँकि मिलते नहीं थे तो उसको हवाशी और तालिकात के साथ रिप्रोड्यूस किया मैंने, उसमें रिप्रोड्यूस किया, नई चीज़ें भी दी। ये तो आगाज़ था, उससे पहले मासर में कुछ चीज़ें छपती रहीं रेने गेनोहिक से मुतालिक, फिर ये शुरू हो जाता है इकबाल अकेडमी का मामला। और उसमें अकेडमी में जाने से पहले जी अगर हम कलाम इकबाल का जरूर एक नमूना सुन लें। जरूर नाज़रीन, ये गुंबद मीनाई ये आलम तन्हाई मुझको तो डराती है इस दश्त की पहनाई। कलाम इकबाल। एक जज़्बा पैदा
शाख से क्यों फूटा, मैं शाख से क्यों टूटा। अजीब और गरीब शेर जिसमें इंसान खुदा और इस कायनात के रिश्ते को नहायत खूबसूरती के साथ वाज़ेह किया गया। यही बात अलावा इकबाल ने अपनी एक और नज़्म मुहावरा माबैन खुदा और इंसान में बरंग दिगर बयान की है। एक बड़ा शायर, एक गैर मामूली शायर, एक आफाकी शायर। कलाम इकबाल आप सुन रहे थे। सुहेल उमर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, पाकिस्तान टेलीविजन की नाइट टाइम ट्रांसमिशन। आपका मेज़बान जाहिद मुनीर आमिर और मेरे साथ यासिर कुरैशी और आलिया शाह। सुहेल साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए, सुहेल साहब आपने जिक्र किया अपनी तालीमी ज़िंदगी में कि आपके बहुत से दोस्त और साथी सीएसएस करके सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन गए, तो आपको ये ख्याल क्यों पैदा नहीं हुआ? दूसरी बात, फिर जब आप इकबाल अकेडमी में आ गए तो क्या आप भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन गए? हरगिज़ नहीं, ब्यूरोक्रेसी से उलझते रह गए। वो जो हवा के रुख पे खुले हुए हैं वो बादबां तो नज़र में है, वो जो मौजे खूह से उलझ रहा है वो हौसला भी तो देखते। हम तो मौजे खूह से उलझते हैं, वो बादबां खुले हुए तो आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे नहीं हुआ। और वहाँ शामिल ना होने किसी शाकिर के शेर की तरफ इशारा किया। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं, मुझे सिर्फ इफ्तिखार आरिफ के याद रहते हैं। तो समंदर क्या था और किनारा क्या था, इनसे पूछिए। ये फेमिनिस्ट शेर है नहीं आपकी जिंदगी में? हाँ, आप पहला सवाल तो रहने दीजिए ना अभी कि मुझे ब्यूरोक्रेसी में सीएसएस करने का ख्याल क्यों नहीं आया। बहुत तबीयत रागब नहीं थी उस तरफ जाने पर, पता नहीं क्यों। ज़रूरत के बावजूद आज़ाद घूमते रहे, लेकिन जिन लोगों को पढ़ाया था वो फर्स्ट आए उसमें सीएसएस में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे कुदरत के इनामात इतने हैं कि जहाँ वो थे तीन साल के बाद मैंने उससे चार स्टेप आगे आगाज़ किया अपनी। तो मैं किसी तरह घाटे में नहीं रहा ब्यूरोक्रेसी छोड़कर। और उसके बाद वजह यही थी ना जाने की कि मैं वो उस तरह की नौकरी, वो पैशन प्रोफेशन इकट्ठा नहीं हो रहा था ना वहाँ पर, कि मुझे फाइलातुन फाइलातुन फाइलात मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान में उम्र भर वही करना पड़ता। तो मैं फाइलातुन की बजाय फाइलातुन करना चाहता था। वो मैंने शेर कभी नहीं कहे, लेकिन उस दुनिया से तो वाबस्ता था और रहना चाहता था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नेमत। कहाँ कहते हैं साहब, हम तो आपके शेर सुनते हैं सिर्फ। अच्छा, ये अभी जो हमने कलाम इकबाल सुना, आपने इकबाल अकेडमी के एहतमाम से जी पाकिस्तान टेलीविजन से इकबाल के कलाम की गायकी का 50 साल इंतखाब तैयार किया जी। तीन सीरीज में ये सारा इंतखाब मुकम्मल हो गया। ये तो बहुत हालिया काम है। इससे पहले आपने ऑडियो में, इससे पहले हम 23 घंटे की रिकॉर्डिंग में कर चुका था। मेरी मौसीकी की बाज़ाब्ता कोई ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन मैं कन रस जरूर रहा हूँ शुरू से, अब भी हूँ।
और वो जो एक मुझे तजवीद की ट्रेनिंग बाज़ाब्ता मैंने बाकायदा उस्तादों से सीखी है उसने, आप हाफिज़ कुरान भी हैं, हाफिज़ तो बद आवाज़ भी होते यानी वो कोई शर्त नहीं है, वो कोई शर्त नहीं है कि हाफिज़ होने के साथ आप तनरस भी हों और आपको हरफ़ आहंग का की खुश अदाई का वो शऊर भी हो, या वो एक खुदादाद चीज़ अलग से है। और मुझे उस मामले में बहुत अच्छे साथीज़ा मिले जो अपने वक्त के माहिरान फन थे, तो वो चीज़ मौजूद थी। ये दरमियान का वक्फा इकबाल अकेडमी का अभी बयान करेंगे, लेकिन 90 में जब मैं इदारा सकाफत इस्लामिया में आया हूँ कि सिराज की अचानक रहलत से वहाँ एक खिला पैदा हो गया, उनको ज़रूरत थी डायरेक्टर की, तो मैं दोनों तरफ काम देख रहा था। उस ज़माने में मैंने कलाम इकबाल उर्दू सारा 23 कैसेट्स में थी, यानी 23 घंटों में तैयार कराया दोनों इदारों की, इदारा सकाफत इस्लामिया और इकबाल अकेडमी इश्तराक से, और उसमें सभी तरह के तजर्बे थे। उसमें कोरस भी था, जनाना आवाज़ भी थी, मुकालमा भी था, गायकी भी थी, मिली जुली चीज़ें थी, तहत तो लफ्ज़ भी था, लेकिन वो बाकायदा यानी तमाम के तमाम उसे आप गाना नहीं कह सकते। इन सब तजर्बों से जिस तरह का मूड, जिस तरह का मिजाज, जिस तरह का तकाजा किसी शेर, किसी गज़ल में, किसी नज़्म में, ये जैसे मुहावरा बहने खुदा, अब ये मुकालमा है जी, मुहावरा है, तो दो आवाज़ों में दो आवाज़ों वाही की गई इस तरह की, वो हमने 23 घंटे उस ज़माने में तैयार किए थे। ये जो अभी सीरीज़ में आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो एक हालिया काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, ऑडियो तो पहले से ही था, उसको भी सीडी पर मुंतकिल किया, और ये टीवी का जो 50 साल का इंतखाब था उसे भी किया। इकबाल अकेडमी में जब 84 में मैं आया हूँ तो वहाँ उसकी तामीर नौ दरकार थी, और हुकूमत के इन इकदाम, यानी मिर्ज़ा साहब को वहाँ डायरेक्टर के तौर पर लाना, उनको एक नायब फराहम करना, मज़ीद शोबे बनाना, उसको तहकीक व तदवीन का आगाज़ करना, समो बसर के का शोबा, ख़ास तौर पर लाइब्रेरी की तदवीन, इन सब चीज़ों की तदवीन नौ, तामीर नौ की ज़रूरत थी। लाइब्रेरी एक अहम हिस्सा होता है किसी भी तहकीकी इदारे का, और इसकी बहुत पुरानी सन 60 से लाइब्रेरी चली आ रही थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी। पहले ये अकेडमी कराची में थी जी, इसका आगाज़ कराची ही से हुआ था, क्योंकि उस वक्त कैपिटल भी कराची थी और मरकजी हुकूमत भी वहीं होती थी। बाद में इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, और इसका एक तर्जुमान रिसाला इकबाल रिव्यू जी, जो सन 60 से निकलता था। वो हम जब मैं और मिर्ज़ा साहब इकबाल अकेडमी में आए हैं तो वो अंग्रेज़ी और उर्दू में था जी। मिर्ज़ा साहब की चूँकि ज़ुबानों पर कुदरत अरबी फ़ारसी दोनों पर थी बहुत, उन्होंने पहला तो ये किया कि भाई इसे फ़ारसी में भी इसका एक शुमारा आना चाहिए, साल में एक आए या दो आए, क्योंकि एक तो कलाम इकबाल का 55% हिस्सा फ़ारसी में है, दूसरा इस रिसाले को फ़ारसी में ले जाने से आप पूरी फ़ारसी गो दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम कर देते हैं जहाँ वो इकबालियात के ज़िम्न में तबादला अफकार हो सकता है। तो पहले ये फ़ारसी में हुआ, उसके बाद अरबी में हुआ, उसके बाद तुर्की में हुआ, और साल के दो शुमारे अंग्रेज़ी और दो शुमारे उर्दू तो बाकायदगी से इसके सन 60 से चले आ रहे हैं। दरमियान में ये मिर्ज़ा साहब के आने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो ये एक काम हुआ। अहम किताबें भी छपी, इकबाल अवार्ड बैनुल अक्वामी और कौमी, उनका इजरा पहले हो चुका था, उनको अमलन नाफिज करना, किताबें मुंतखब करना, ये काम भी आगाज़ हुआ। ख़ास तौर पर किताब खाने की तामीर नौ की गई, नए शोबे, बैनुल अक्वामी रवाबित और फरोग इकबालियात मुल्क से बाहर अकेडमीज़, और सब जो दो अहम तरीन काम थे उस ज़माने के, जो मैं जैसे इकबाल अकेडमी से अपने ताल्लुक़ का पहला दौर करार देता हूँ 1984 से 93-94 तक का, उसमें दो अहम तरीन काम जो थे इन चीज़ों के रूटीन के कामों के अलावा, एक तो था कुलियात इकबाल उर्दू और फारसी का वो सही तरीन मतन तैयार करना जो इससे पहले किसी ने इतनी मेहनत नहीं की थी। गुलाम रसूल मेहर साहब के ज़माने में जो शेख गुलाम अली से छपा था वो भी बहुत मेहनत से किया गया था, लेकिन उसमें बहुत सी रह गई थी गलतियां रह गई। मैंने अपनी टीम के साथ कुछ 1.5-2 साल अल्लामा इकबाल के लिखे हुए हाथ के मुसवदों से, दस्तनवीस मखतूतात से, एक हर्फ हर्फ का मुआजना करके उसका सही मतन तैयार करवाया। उसके बाद उलमा इकबालियात, माहरीन इकबालियात की एक कमेटी ने, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों से लोग शामिल थे, उस मतन को बैठकर देखा, फिर उसकी किताबत करवाई गई,
اور یہاں ہماری خطاطی کی ٹریننگ کام آئی. فارسی کی کتابت حکومت ایران نے 10 ملین تومان کا ہدیہ دے کر کروایا انہوں نے خود, اور اس آدمی سے کروایا جو انجمن خوش نویسان ایران کے سرکردہ خطاطوں میں سے تھا, اور وہ آدمی جس نے دیوان حافظ بھی لکھا تھا. اور وہ اپنی جگہ ایک شاہکار ہے دیکھنے کی. وہ یہ ایک بڑا کام تھا کہ آپ صحت متن سے دیکھیں, ہر بڑے آدمی کا ایک بنیادی کام یہ ہوتا ہے, اب گوئٹے کا نام لیں کسی اور کا, کہ پہلے اس کی شعر ہو یا نثر ہو اس کے بالکل مستند نسخے تیار کر دیے جائیں, تاکہ آنے والے محققین کو متن میں گڑبڑ نہ ہو کوئی, جسے آپ ڈیفینیٹو ٹیکسٹ کہتے ہیں. اگر متن صحیح نہیں ہوتا تو اس پہ لکھی جانے والی تنقید بعض اوقات مذکر خیز صورت ہو جاتی ہے. تو پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کو کر دینا چاہیے. تو اردو اور فارسی یہ اس دور میں 90 تک 92 تک ہو گیا سارا کام. ساتھ ہی اس سے پہلے ایک کام ہو چکا تھا, اس کی دوبارہ اشاعت کی گئی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے اسی طرح حواشی اور تعلیقات کے ساتھ شیخ سعید صاحب مرحوم کا کیا ہوا کام جی. دوسرا کام ایک تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا, اور ایک وہ آڈیو کا کام تھا. یہ دو کام اس زمانے میں پہلے دور میں بڑے ہمارے ہو گئے دیگر اور چیزوں کے ساتھ. اچھا اب ہم دوسرے دور میں آ جاتے ہیں جی. دوسرے دور میں آپ نے یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اقبال اکیڈمی کی ویب سائٹ تیار کی, سائبر لائبریری بنائی, اور اس کے علاوہ ایک کتاب دار کے نام سے ایک پروگرام تیار کیا. کچھ ان کا تعارف کروائیے کیا جی. ضرور. دوسرا دور میرا جو اقبال اکیڈمی سے تعلق کا دوسرا دور جو ہے وہ 97 سے جی شروع ہوتا ہے اور تاحال جاری ہے. تاحال جاری ہے. درمیان کا وقفہ میرے کچھ غیر ملکی سفر اور باہر پڑھانے کا تھا مختصر سا, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ ملیشیا کوالالمپور میں جی, اور وہاں موضوعات میرے وہی تھے, تصوف کی علمی اور عقلی جہاد, پاکستان برصغیر کی فکری تاریخ شاہ ولی اللہ سے اقبال تک. فارسی زبان بھی پڑھا دیتا تھا اور بھی ان کے کچھ چیزوں میں مدد دیتا تھا. وہاں سے واپس آ کر میں نے ابھی تو ہم ایم اے تک پہنچے تھے, یا میرا تعلیمی سفر پھر جڑ جاتا ہے کہ ایم فل اقبالیات کی تکمیل کی, پہلا اقبالیات کا کورس اوپن یونیورسٹی سے شروع ہوا تھا, اور ساتھ ہی اس کی تکمیل کے بعد ایک سال کی چھٹی لے کر پی ایچ ڈی کے لیے انرول کر کے اس کے کچھ چیپٹرز لکھ لیے, اور ایک یہ اپنی کتاب تشکیل جدید جو ایم فل کا مقالہ تھا جی, اس کو کتابی شکل میں لے آیا اقبال نئے تناظر میں جی, اور ایک بڑی عربی کی کتاب کا انگریزی ترجمہ اس کے کچھ 350-350 صفحے اس ایک سال میں میں نے کر دیے. وہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے اہم انسائیکلوپیڈیاز میں سے ایک تھا. یہ اس کا نام بھی ہمارے ناظرین کشاف و اصطلاحات الفنون, کہ مسلمانوں کی مختلف علوم میں میڈیسن سے لے کر فلسفہ جی اور ماوراء طبیعت تک جتنی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کا انسائیکلوپیڈیا تھا. بہت خوب. اس سے پہلے آپ نے فارسی کی ایک کتاب ڈاکٹر محسن جہانگیری کی شیخ محی الدین ابن عربی کے سوانح اور افکار سے متعلق کتاب, اس کا بھی ترجمہ کیا تھا. اس کا بھی ترجمہ کیا تھا. اس دور کے بعد پھر 97 میں جب میرے سپرد اقبال اکیڈمی کی نظامت کی گئی ہے تو یہ دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے. اس میں ہمیں بڑے سنگین مسائل کا سامنا رہا, جسے وسائل کی قلت, لیکن اس کے باوجود ہمارا ہدف یہ تھا کہ اب میں نے اس دوسرے دور میں یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمیں کون سے تحقیقی وسائل تیار کرنے درکار ہیں, جسے ریسرچ ٹولز اب کہتے ہیں, جو آنے والے لوگوں کے لیے کام آ سکے. دیکھیے اقبالیات اپنا ایک شعبہ بن چکا ہے اور اتنا پھیل گیا ہوا ہے کہ اس میں اچھے بھلے اقبال شناسوں ماہرین اقبالیات کو بھی بعض اوقات اس سارے مواد تک رسائی نہیں ہوتی جو اقبال پر موجود ہے. ایک تو یہ ضرورت تھی سامنے. دوسرا جو جدید وسائل تحقیق ہمارے سامنے آئے تھے, خاص طور پہ کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس سے استفادہ کرنا مقصود تھا. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ جو معمول کی چیزیں تھیں, طباعت کتب, رسائل, سیمینارز, لائبریری, وہ تو ہم کرتے ہی رہے. اس کو خاص طور پہ ہدف بنایا ہم نے, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں کی جو پاکستان کے کسی اور علمی ادارے نے ابھی تک نہیں کی, اور کچھ ان میں سے ایسی مجھے فخر حاصل ہے کہ اس میں جو امتیازی خصوصیات ہیں وہ آپ کو لائبریری آف کانگریس میں بھی نہیں ملیں گی.
اب آپ نے میں اس سوال کی طرف آپ آتا ہوں جو آپ نے ابھی فرمایا تھا ویب سائٹ جو آپ نے تیار کی اقبال اکیڈمی اس میں سر فہرست تین چیزیں ہیں جی ایک اقبال اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے علامہ اقبال ڈاٹ کام جو سرکاری اداروں میں سب سے مفصل ویب سائٹ ہے دوسرا کام ہمارا جو ابھی حال ہی میں تکمیل پذیر ہوا ہے وہ اردو کی پہلی سائبر لائبریری اور تیسرا اس کا لائبریری کا ایک سافٹ ویئر کتاب دار کے نام سے جو اردو کا ہمارے پاس ان کی کچھ جھلکیاں ہیں بالکل تو وہ دکھائیے جناب دیکھتے ہیں پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کون کون سی ویب سائٹ یا سائبر لائبریری یا کتاب دار جو اقبال اکیڈمی کی طرف سے تیار کیے گئے ہیں پروگرام اور وہ سہولتیں جو لائبریری آف کانگریس میں بھی موجود نہیں ہیں ابھی ہم اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں جی ضرور تو یہ کتاب دار کیا ہے کتاب دار چونکہ ترتیب میں آخر میں آ رہا ہے اس پریزنٹیشن میں چلیے میں اس کے بعد